क्वेश्चन है इन फिगर नहीं दिए गए डायग्राम के अंदर बीसी इज पैरेलल टू डी, बीसी इज पैरेलल टू क्या है डी एंड एबी इज इक्वल टू टू, यहाँ लिख दो आप एबी इज इक्वल टू टू, तो एबी की जगह पे दो लिख दिया आपने, और बीडी इक्वल टू थ्री, बीडी बता थ्री है ये भी लिख दो, ठीक है एसी इज इक्वल टू फोर ये भी लिख दो, एसी इक्वल टू फोर, और सी इक्वल टू क्या देखो यहाँ पर एक्स एक्स, और सी की जगह पे एक्स लिख दो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, आपको फाइंड करना है एक्स, ठीक है। तो आप अगर इस डायग्राम में देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो बीपीडी थ्योरम लगने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग सॉल्यूशन बताएगी जो आपका लिखने का जो तरीका है, ठीक है इस तरह आप बताएगी जो है ओके। क्वेश्चन नंबर कितना ये वन बी में कितना चल रहा है दूसरा, ठीक है दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इधर आंसर लिखो, आंसर लिखने के बाद सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है बोलो बीसी पैरेलल टू डी, ये फ्री का मार्क्स है, ये गिवन लिखना फ्री का मार्क्स है, और क्या है बोलो चलो एबी इक्वल टू टू, आगे बोलो बीडी इक्वल टू थ्री, बीडी इक्वल टू थ्री, और एसी इक्वल टू फोर, और सी इक्वल टू एस, इक्वल टू एस, ये आपके फ्री के मार्क्स हो गए, ठीक है। सबको इधर ब्रैकेट डालो, ठीक है, और सबको लिख दो वी वन ओके। अब आप क्या करोगे, ठीक है सबसे पहले लिखेंगे क्या है बोलो पैरेलल बीसी पैरेलल टू डी, डी अब ये ट्राइंगल के अंदर बीसी और डी पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एबी एबी अपॉन बीडी, बीडी बोलो एक साथ सब लोग एसी अपॉन सीडी, एसी अपॉन सीडी, ठीक है इधर ब्रैकेट में लिखो बाय बीपीडी, अभी मैं बीपीडी लिखता हूँ फुल फॉर्म में लिखना बाय बीपीडी, एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना पड़ता है, हाँ एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना बेसिक प्रोपर्टी लिखते रहो, ठीक है इधर तैयार करो चलो सीई है सीई है, ठीक है। अब आप क्या करो इधर एबी की वैल्यू डालो, एबी की वैल्यू क्या बोलो टू, बीडी की वैल्यू कितनी बोलो थ्री, एसी कितना है बोलो फोर अपॉन एक्स, और एक्स अब आप क्या करोगे एक्स को यहाँ भेजो टू एक्स, तो टू एक्स हो जाता है, थ्री को यहाँ भेजो फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ बाकी का सॉल्यूशन, ठीक है तो टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, ठीक है एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन सिक्स, एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। आपको कैसी वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर टू आएगा, अच्छा सर इधर टू है सिक्स आएगा, ठीक है तो आपका आंसर क्या आएगा सर सिक्स, ओके और आपको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ द एक्स, हो गया लास्ट आंसर को बॉक्स भरो, स्टेट रदर द फॉलोइंग ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आर सिमिलर और नॉट, ठीक है इफ यस देन राइट द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है आपको ये बताना है, और अगर दोनों सिमिलर है तो आपको इसके कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो टेस्ट का नाम बताना है, ओके। तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी जो है डी एंगल पी इक्वल टू 35 डिग्री, तो यहाँ आप लिख दो डायग्राम के अंदर, डायग्राम बनाना है आपको इसका 35 डिग्री सिमिलर दिया था, फिर एक्स दिया हुआ है 35 डिग्री तो ये डायग्राम के अंदर लिख दो एक्स भी बताएगी 35 डिग्री, एंगल क्यू दिया है 60 डिग्री, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर दे दिया ये यहाँ आना चाहिए 60 डिग्री, और एंगल वाई उधर मिसिंग है, एंगल वाई इधर मिसिंग है वो भी बताएगी 60 डिग्री है, ठीक है सिमिलर है, तो एंगल वाई भी आ गया 60 डिग्री सर 60 डिग्री, ठीक है बताया मैंने सर, मगर सिमिलर में दोनों भी सेम रहता है ना, 60 इधर आ गया वो वाई का 60 की तरह इधर आ गया, हाँ सर सिमिलर में दोनों भी ट्रायंगल सेम ही रहता है ना, हाँ सिमिलर में दोनों ट्रायंगल सेम रहता है। अब हम लोग देखो एंगल पी और एंगल एक्स क्या है 35 इक्वल है, एंगल क्यू और एंगल बताएगी वाई क्या है इक्वल है, तो कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम यही एस इट इज बना, सिर्फ 60 डिग्री में ये लाइन यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ, डायग्राम बनाने का ऐसा बॉक्स बना देना, ठीक है जिसके अंदर डायग्राम में डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले बताएगी हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है बोलो एंगल एंगल पी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल टू 35 डिग्री, उसके बाद इक्वल टू 60 अब क्या लिखोगे इसके बाद, आपका गिवन होने के बाद इन
मैं कलर चेंज करता हूँ वहां पर लाइन छोड़ देगा ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर और दूसरा ट्राइंगल का नंबर एक्स वाई जेड अब क्या क्या इक्वल है बोलते जाओ फटाफट। एंगल पी इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स एंगल Q इक्वल टू एंगल Y एंगल Q इक्वल टू एंगल Y ब्रैकेट में क्या लिखोगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे अब इधर इन है ना तो अब इधर लिखोगे इन की जगह पर देयरफॉर इन की जगह पे क्या लिखोगे देयरफॉर वही ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल सिमिलर पी क्यू आर सिमिलर एंड की जगह पे क्या आएगा सिमिलर सिमिलर और एंगल एक्स वाई जेड बाय और ब्रैकेट में लिखो by a a a a test of of पूरा लिखो of similarities ठीक है ये होगा आपका यहाँ पर आंसर बोल रहे हैं। in triangle ABC if triangle ABC similar to triangle LMN ABC और triangle LMN similar है triangle के नाम दिए हुए और दोनों triangle similar है और angle B दिया है 40 degree और angle M आपको find करना है ठीक है और एंगल फाइंड करना और गिव रीजन भी देना है ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका काम है फोर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन भी ऊपर और फिर आप फोर लिखो फोर लिखकर आप इधर आपका आंसर वगैरह जो लिखना लिखो। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है एक मार्क्स का क्वेश्चन है मगर डायग्राम बनाओ अगर ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है तो डायग्राम आप बनाओगे ठीक है ए बी सी दूसरा डायग्राम ठीक है एल एम एन दोनों ट्राइंगल सिमिलर बनाओ और ए बी सी है तो ए इधर दिए तो एल इधर दो बी इधर दिए तो एम इधर दो सी इधर दिए तो एन इधर दो ठीक है। अब एंगल बी कितना है 40 डिग्री तो सर सिमिलर तो एम भी हो रही है ठीक है। अब ये आपको फाइंड करना है ठीक है तो अब आप क्या लिखोगे गिवन गिवन में क्या क्या लिखोगे बोलो एंगल ए बी सी सिमिलर टू एल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री ये दोनों ब्रैकेट में लिखो गिवन और एंगल एम इक्वल टू क्वेश्चन ओके अब लिखोगे समझे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर तो बोलो ट्राइंगल क्या है बेटा एलएमएन देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम ठीक है इक्वल टू 40 डिग्री। अब ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजन आपको लिखना है तो रीजन गिव रीजन आपने इधर लिखा हुआ नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कटेगा तो इधर रीजन आएगा ठीक है करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग ये बेटा एंगल के साइड है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल पूरा लिखो क्योंकि स्पेशली अलग से लिखने वाला ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो 144:49। अब यहाँ पर भी अलर्ट रहो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल यानी पहले से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया दोनों ट्राइंगल सिमिलर है आपको कोई प्रूव नहीं करना कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल सिमिलर पहले से है और उनका एरिया का रेशियो भी आपको दिया है 144:49। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड अब ऐसे ट्राइंगल में जिसमें ट्राइंगल का नाम नहीं है इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है आप इधर पांच नंबर लिखो आंसर लिखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। गिवन क्या है A1 अपॉन ए टू इक्वल क्या दिया है बोलो 144/49 एक ही इन्फॉर्मेशन दिया है yes. इसको लिखो गिवन गिवन ठीक है और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ठीक है तो इधर लिखने का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल टू वहां से देख के लिखो अपनी टू सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू is अब सीधा लिखो A1 अपॉन A2 is equal to S1 अपॉन S2 square अब आप क्या करेंगे A1 अपॉन A2 की वैल्यू आपको मालूम है तो आप इधर डालो 144/49
इक्वल टू एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर, 12 अपॉन 7। अब एस वन स्क्वायर का आप क्या करोगे, एस वन कर दोगे, एस टू, और एस टू स्क्वायर का आप एस टू कर दोगे, 12 अपॉन 7, 49 का क्या सेवन सेवन। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है रेशियो, तो लिखने का देयरफॉर एस वन इज टू एस टू इज इक्वल टू 12:7। आपको वहां पूछ रहा है रेशियो में, तो आंसर आप रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल SCO, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, पहले से इन्फॉर्मेशन दे दो। अब वो राइट द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, अब बचा कुचा साइड जो अपन नाइन्थ में करते थे, बचे कुचे साइड लिखो, अभी दोनों ट्राइंगल डालोगे इसको, पहले तो 6 नंबर डालोगे। अब गिवन लिखो, गिवन में क्या है, गिवन है ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल SUV, और ट्राइंगल का नाम दिया है, तो आपको ट्राइंगल बनाने में हर्ज नहीं, डायग्राम बना दो PQR और एक बना दो SUV, नाम दिया है तो आप बना दो। ठीक है, और इधर ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, गिवन, आपने गिवन लिखा। ठीक है, अब आप बताइए जो है राइट द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल लिखना है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए क्या क्या कॉम्पोनेंट डबल एंगल पी के साथ कौन रहता है, एंगल पी के साथ एंगल एस, ठीक है, एंगल क्यू के साथ यू, एंगल यू, और एंगल आर के साथ एंगल बी, ठीक है। इन सब के लिए रीजन क्या आएगा बोलो, गिवन, गिवन थोड़ी, कहाँ से गिवन है, गिवन तो खाली सिमिलर दिया था, समझे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्राइंगल, हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बहुत छोटा है लेकिन ये लिखने आपको हो गया, आपको इस तरह फाइंड करना है, ज्यादा कुछ नहीं, डायग्राम बनाओ, ये करो ये करो। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ ध्यान दो, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, इसमें भी पहले से आपको बोल दिया गया दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, और राइट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, पिछले क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा था, इसमें सिर्फ साइड पूछा है बस, और कुछ नहीं है। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, पहले वो 7 लिखो, तो ट्राइंगल बना दो आप ABC, ठीक है, ABC सिमिलर, और ट्राइंगल है पता है DEF, अब बताइए कि जो है गिवन पहला क्या लिख दो, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू सिमिलर ट्राइंगल DEF गिवन, इधर ब्रैकेट में आएगा गिवन, अब ये सिमिलर होने की वजह से आपको सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, ठीक है, देयरफॉर डालो, बोलो AB, बोलो AB के साथ क्या जोड़ी बनी, DEF अपॉन DEF इक्वल टू BC अपॉन EF, EF AC अपॉन DEF, AC अपॉन DEF, DEF, अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पॉन्डिंग साइड आएगा, साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल साइड इन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आपको डायग्राम दिया हुआ है, और आपको हो रहा है इन फिगर यानी ये डायग्राम में TP इक्वल टू 10, तो चलो हम लोग यहाँ लिख देते हैं TP इक्वल टू 10, तो TP 10 लिख दिया, PS इज इक्वल टू 6, PS भी लिख देते 6, ठीक है, फिर आपको बोलता है बस ये दो ही इन्फॉर्मेशन दिया, ये दिया ये दिया, ये बेस दिया ये बेस दिया, अब बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल RTP ये ट्राइंगल से अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल RTS क्या होगा बताइए, ठीक है, तो आप दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स बताइए, आर सेम है RP, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो दोनों की हाइट क्या हो जाएगी सेम, परपेंडिकुलर नाम दे दो M, ठीक है, तो दोनों का हाइट सेम हो गया, अगर दोनों का बताइए हाइट सेम है और ट्राइंगल सिमिलर भी नहीं है, कहीं पर क्वेश्चन देखो कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, कहाँ पर कहीं पर सिमिलर बोला है नहीं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, B1 अपॉन B2 H1 अपॉन B2 इनटू H2, तो पहले तो आप इधर आर लिखो, और ये डायग्राम आप इसलिए बना देना, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो पहला, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा बोलो, एक्स्ट्रा ड्रॉ आर एम परपेंडिकुलर, आर एम परपेंडिकुलर टू किसको बोलो, TS, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सिंस आर एम, ठीक है,
बोथ ट्राइंगल, ठीक है ठीक है, ये बाद में लिखो सॉरी, ठीक है पहले गिवन लिखो, क्या लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है बोलो फटाफट, डीपी इक्वल टू 10, गिवन लिखो डीपी इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डालो इधर बोलो यूनिट, उसके बाद क्या दिया बोलो बीएस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब लिखो सिंस बोथ ट्राइंगल हैव सेम इक्वल हाइट या सेम हाइट, ठीक है सेम हाइट कर दो, चलो हैव सेम हाइट हाइट ठीक है, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलो पहले ऊपर वाले का नाम क्या है आर टी पी सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी एस इक्वल टू क्या आएगा टीपी अपॉन बेस क्या है इसका टीपी टीपी और दूसरे का बेस क्या है टी एस टी एस 10/6। अब टीपी कितना है 10 और पी एस कितना है 6, इसको कैंसिल करो 2 के टेबल से 2 3 6 2 5 5 3 लास्ट में वापस इधर लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर टी पी अपॉन आर पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी एस इक्वल टू 5/3 और ये बॉक्स बना दो। क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो ऑफ द करस्पोंडिंग साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज 4:7, ठीक है क्या दिया है किसका रेशियो साइड का रेशियो साइड 4:7। अब फाइंड क्या करना है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया एरिया, ठीक है तो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक हो, अब गिवन क्या दिया आपको रेशियो ऑफ द करस्पोंडिंग साइड यानी S1/S2 इक्वल टू 4/7 इधर ब्रैकेट में लिखो गिवन गिवन, ठीक है A1/A2 रेशियो ऑफ ऑफ करस्पोंडिंग, ठीक है क्या बोलो एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल टू सिमिलर ट्राइंगल, टू लिखने की जरूरत है खाली सिमिलर ट्राइंगल भी बोलेगा तो चलेगा, ठीक है आर A1 अपॉन अपॉन A2 इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन सेवन A1 अपॉन A2 क्या दिया आपको 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 16/49 A1 upon A2 आगे आंसर आपका 16/16। अब आपको रेशियो में आंसर है उधर पूछा टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ऑल ट्राइंगल गिवन इन द फिगर, दो डायग्राम दिया हुआ है अभी याद है अंदर, ठीक है तो दोनों ट्राइंगल का डायग्राम आपको दिया हुआ है एंगल बी इधर 60 degree तो इधर एंगल यू है, इधर एंगल सी 30 degree है तो इधर एंगल आर है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कौन से कैसे सिमिलर। तो क्वेश्चन नंबर डालो आप 10, डायग्राम आप बना देना देख के कॉपी करके, ठीक है अब गिवन लिखो क्या क्या है एंगल बी इक्वल टू 60 degree एंगल सी एंगल एंगल क्यू लिखेंगे इक्वल टू 30 degree एंगल एंगल और एंगल क्यू इक्वल टू 60 एंगल आर इक्वल टू 30। अब लिखो इसके बाद इन सर गिवन में लिखो ट्राइंगल इधर गिवन लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है क्या लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल बोलो ट्राइंगल का नाम बोलो ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू आर। अब ये सब लिख दो क्या क्या कमांड है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर आर, ठीक है ब्रैकेट में बी वन ठीक है। अब क्या लिखेंगे therefore इनकी जगह पे therefore ट्राइंगल की जगह पे ट्राइंगल ही ए बी सी सिमिलर जगह पे सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए टेस्ट बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एक मार्क्स का है पूरा लिखो सिमिलरिटी, छोटा क्वेश्चन ठीक है।